हमारी मांग ये है कि हमारा सेंधाराम निर्दोष को उसकी हत्या की गई है और उसको मारा गया है, क्योंकि वो रात को अगर गांव जाने के लिए नांदिया जाता यहाँ क्यों आता? अगर आना होता उसको बुलाया गया है, साजिश के तौर पर उसको मारा गया है और उसकी निर्मल हत्या की गई है। हम यही चाहते हैं कि इस निरपक्ष जांच हो और इसका मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है, पुलिस हमारे को कल से गुमराह कर रही है। पुलिस के खिलाफ हम नाराबाजी करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और चेतावनी देते हैं प्रशासन को कि अगर टाइम पे जग जाए और हमारी मांग को स्वीकार करें और हमारी इस हत्या के जो भी इसके पीछे हैं उसको ज्यादा तुरंत गिरफ्तार करके, ये हमारी मांग रहेगी। अगर मांग 24 घंटे के अंदर नहीं होती है तो पूरा ये हम चायला पूरा जाम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आह्वान करते इकट्ठा होने की, और यहाँ के CI जो भी है वो किसी प्रेशर या दबाव में काम कर रहे हैं, और यहाँ के जो कॉन्स्टेबल SSO है वो भी किसी या प्रेशर में दबाव का काम कर रहे हैं, और वो दबाव में हम काम कतई नहीं करने देंगे। और दिलवर की हत्या हुई उसकी जांच होनी चाहिए, और 36 कौम के लोग यहाँ खड़े हैं, एक कौम की बात नहीं है, हम 36 कौम के लोग यहाँ खड़े हैं। और ये हम आपको आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से आपको कहना चाहता है कि आप हमारा साथ दीजिए और जनता के साथ न्याय होना चाहिए, और इस जांच का आश्वासन हमें जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक हम 2 दिन से अन्न पानी सब त्याग कर बैठे हैं, आम जनता बैठी है और यह पुलिस हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई, ठोस सबूत इनके पास नहीं तो है, नहीं हमें दिए हैं। हमें जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेंगे जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। ब्रह्म में कौन होते हैं।